इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बाइसेप के साइज को ग्रो कर सकते हो टू द नेक्स्ट लेवल। ऐसे एडवांस तरीके, ऐसे एडवांस टिप मैं आपको देने वाला हूं जो आपके बाइसेप के साइज को ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन तब भी आपका अगर बाइसेप ग्रो नहीं कर रहा है, सिंपल रीजन ये है कि आप उस टेक्निक को और उस तरीके को अभी तक नहीं पकड़ पाए हो। तो इस वीडियो में वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको प्रॉपर टेक्निक के साथ वर्कआउट करना है। जिम में जाके डंबल को बैक एंड फोर्थ उठाने से आपका बाइसेप नहीं ग्रो करेगा। जो आप वेट उठा रहे हो, आपके मसल पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको मसल पे लगना चाहिए फुली, ताकि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और आपका बाइसेप ग्रो करने में हेल्प कर सके। वो तभी होगा जब आप उस टेक्निक को पकड़ पाओगे, ताकि आपका मसल फुली ग्रो कर सके। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। मिस्टेक्स जो हम करते हैं वाइल परफॉर्मिंग द बाइसेप वर्कआउट, वो है करेक्ट वेट का चूज ना करना और अपने एल्बो को स्विंग करना। अब इसमें दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज ये आपने हैवी वेट चूज किया है बाइसेप वर्कआउट के लिए, तो आप इसको लिफ्ट कैसे करोगे? आपको आपके शरीर को स्विंग करना पड़ेगा वेट को लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वेट हैवी है। सेकंड चीज, आपको अपने एल्बो को स्विंग करना पड़ेगा। इससे क्या दिक्कत होएगा आपको? सबसे पहले आपका रिस्ट हर्ट होएगा, क्योंकि आपका रिस्ट का मूवमेंट हो रहा है। आपका एल्बो में पेन होगा, प्लस आपका शोल्डर, क्योंकि आप वेट को आपका शरीर नहीं उठा पा रहा, आपका हाथ नहीं उठा पा रहा, तो आपको अपने शरीर के मूवमेंट, शोल्डर को, एल्बो के जॉइंट को और रिस्ट को मूव करना पड़ेगा। तो इससे आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है हैंड का, वो आपका डैमेज हो सकता है आगे जाके। इसीलिए आपको वेट करेक्ट चूज करना है, हैवी नहीं चूज करना है, आपको हल्का वेट भी नहीं चूज करना है। हल्का वेट चूज करने से, सपोज ये आपने हल्का वेट चूज किया है, आपने डंबल उठाया, राइट? अब ऐसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करने से आपका बाइसेप नहीं ग्रो होने वाला। आपको बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करना है फुली, हल्के वेट से फुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा बाइसेप को, तो आपको हल्का वेट नहीं चूज करना है। अगर आप ये मिस्टेक करते हो जिम में, इनकरेक्ट वेट और आपके शरीर के अकॉर्डिंगली वेट ना चूज करना और एल्बो को स्विंग करना बैक एंड फोर्थ, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपका शोल्डर और जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं आगे जाके, प्लस आपका बाइसेप तो बिल्कुल भी नहीं ग्रो होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि राइट मेथड क्या है टू परफॉर्म द बाइसेप वर्कआउट, जिससे आपका बाइसेप का कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल तक जाए। सामने जो आपको पैरामीटर दिख रहा है, ये शो करता है कि आपका मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वाइल परफॉर्मिंग द बाइसेप मूवमेंट। जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना आपका बाइसेप ग्रो करने में हेल्प करेगा। जब भी आप वर्कआउट लगाते हो, तो आपका बाइसेप रहता है रिलैक्स पोजीशन में, फिर उसको आप कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में लेके जाते हो, राइट? फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स। अगर आप ऐसे बाइसेप का वर्कआउट लगा रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इससे आपका कोई हैंड या कोई जॉइंट्स आप में कोई पेन नहीं होगा या डैमेज नहीं होगा, लेकिन आपका बाइसेप उस लेवल तक भी नहीं जाएगा। रीजन ये है कि जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन से रिलैक्स पोजिशन में आ जाते हो, तो आपका बाइसेप में जो टेंशन है वो हट जाता है। सिंपल चीज है, आपको बाइसेप को ग्रो करने के लिए आपको उस मसल पे कॉन्टिन्यूस टेंशन देना पड़ेगा थ्रू आउट द रेपिटेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या चेंजेस करना है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल तक जाए। हैव अ लुक, ये अभी आपका रिलैक्स पोजीशन में है, राइट? आपको क्या करना है, अपने हाथ को हल्का सा आगे लेके जाना है, हल्का सा, और अपने एल्बो को बेंड करना है हल्का सा, लाइक दिस। इससे कि आपका बाइसेप रिलैक्स पोजीशन से कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आ गया। अब यहां से ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। अब जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाओगे, ये आपका क्या हो गया, फुल कॉन्ट्रैक्शन। अभी भी मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, रिलैक्स नहीं है,
कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्शन, अभी आप देख पा रहे हो मैं कांप रहा हूं क्योंकि मसल में पूरा कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है, क्योंकि अब मेरा मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब आप रेपिटेशन बढ़ाते जाओगे तो क्या है, टेंशन पड़ता जाएगा बाइसेप में, क्योंकि आपका बाइसेप रिलैक्स पोजीशन में आ ही नहीं रहा, आप उसको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो थ्रू आउट। अब मैं आपको दूंगा सेकेंड टिप, जो आपका रिस्ट है, इसमें जो मसल है, जो इसमें वेन्स है, ये आपके बाइसेप तक कनेक्टेड है, राइट। जब भी आप इसको रोटेट करते हो तो आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसको अब हम कैसे यूज करें अपने वर्कआउट में, कैसे हम अपने रिस्ट को रोटेट करें उस हिसाब से कि और ज्यादा टेंशन पड़े बाइसेप में। जब भी आप बाइसेप कर्ल लगाओ, जब भी आप बाइसेप का कोई मूवमेंट करो, आपको सिंपली पहला स्टेप वही है आपका हल्का सा एल्बो बेंड, राइट, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में आ जाए। उसके बाद आपको इसको ऊपर जैसे लेके जाओगे, आपको इसको रोटेट करना है लाइक दिस। रोटेट करने से आपके बाइसेप में और टेंशन पड़ेगा, रोटेट करने से और टेंशन पड़ेगा। आप देख रहे हो, अब अभी आप देख रहे हो फुली कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है बाइसेप, अभी इतना नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे फुल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। हल्का सा एल्बो आगे, रोटेट। अभी आप देख पा रहे हो मेरे एक्सप्रेशन से कि मुझे कितना दिक्कत हो रहा है ऊपर करने में। जैसे ही आप इसको रोटेट करते हो तो आपके बाइसेप में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो पैरामीटर में भी मेरा कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे है लाइक दिस। सो यही था आपका आज का वीडियो कि कैसे आप अपने बाइसेप को साइज में ग्रो कर सकते हो टू द नेक्स्ट लेवल। मिस्टेक्स आपको जो आपको मैंने बताया वो आपको नहीं करना है, एल्बो को स्विंग नहीं करना है, अपने शरीर को स्विंग नहीं करना है, वेट हैवी नहीं चूज करना है, वेट आपके शरीर के अकॉर्डिंगली चूज करना है। और जब भी बाइसेप का मूवमेंट लगाओ आपको हल्का सा अपने हाथ को आगे करना है, एल्बो को बेंड करना है, और ऊपर लेते जाते वक्त आपको स्विंग करना है ताकि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है वो पीक लेवल तक जाए। सो यही था आज का वीडियो, तो आई होप आपने एंजॉय किया हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर कर देना विद योर फ्रेंड्स। आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी चेक कर सकते हो जिसमें मैं डेली का वर्कआउट डाल रहा हूँ रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू, और उसको फॉलो करके आप अपने घर पे ही आप उसी को फॉलो करके बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो घर पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे फिट स्टे हेल्दी, थैंक यू।